Yes, good morning, beta. Let's continue with the revision of chapter number one first. Then we will start with triangles. Yes, listen. X square is equal to 5. You have to tell me that whether X is a rational number or irrational number. X is rational or irrational. X is equal to root 5. Value of X is root 5. It is irrational. Z square is equal to 0.04. It will become 4/100. Z is equal to 2/10, which is 1/5. 1/5 ho gaya, so it is rational. 0.2 भी लिख सकते हो, वो भी रैशनल है. Y square is equal to 9. What is the value of Y? Under root 9, and 9 is a perfect square number. Answer is 3. That is rational. एक ही क्वेश्चन देखो. Z square is equal to 0.4. Decide करो Z क्या है, रैशनल है कि irrational है. Irrational. Z is equal to under root 0.4, 4/10. 4/10 ho gaya. 4 is a perfect square number. So 2 will come out. Z is equal to 2/√10. Root 10 is irrational. Root 10 kya hai? It is a product of two prime number, 2 and 5. 2 और 5 का प्रोडक्ट है. 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर, तो रूट 10 भी क्या होगा, इरेशनल होगा. ठीक है, सो दिस जेड इज 2/√10. रैशनलाइज कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, यू कैन रैशनलाइज इट 2/√10. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रूट 10, 2√10/10, √10/5, विच इज irrational. Got it? Next is u square is equal to 17/4. U square 17/4. U is equal to 4 is a perfect square number. Is it rational or irrational? Irrational. कल एक क्वेश्चन था टेस्ट में, यू हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स. क्यूब रूट ऑफ ए इज ए स्क्वायर. यू हैव टू डिसाइड इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. So this is your a raised to power 1/3. Base is same, so power will be added. a raised to power 3/3, that is 1, which is, but the in the question it is written that a square. So statement is false. हाँ बोलो आप. अंडर रूट नहीं बन सकता. रूट 17 की वैल्यू निकाल लेना अलग से. एक्चुअली क्या होता है, रूट 17 जो है उसको आप रूट 10 प्लस रूट 7 नहीं लिख सकते. ऐसे होता तो लिख सकते हैं, लेकिन रूट थोड़ी सेपरेट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता. ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है. ये बता सकते हो कैसे करेंगे क्वेश्चन. 0.6, 0.7 बार,
0.47 बार की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बोलो जल्दी, इजी है क्या? हुआ इसका क्या मीनिंग है? 6/10 इसकी वैल्यू, इसको x सपोज कर लो 7/9 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 43/90 आएगी, सिंगल पे बार है ना। इसको x लेके अलग से सॉल्व करना है, इसे y लेके अलग से सॉल्व करना है, जो आंसर आएंगे दैट विल बी एडेड, ठीक है? इसको प्लस कर देना, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, क्लियर है? कौन सा वाई सपोज करके 10 से मल्टीप्लाई करके करके देख लो, आपने किया हुआ है क्वेश्चन, पेजेस टर्न करो अभी आपको मिल जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले ही किया था आपने यही सेम क्वेश्चन, ये अलग से की है? 47 क्यों आएगा? 4.7 आपने करा है सॉल्व, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, 47 नहीं आएगा, 4.777 आएगा। हाँ तो माइनस करो, y इज इक्वल टू 0.4777, 10 से मल्टीप्लाई करो, सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, माइनस कर दो 9y, इसे माइनस कर दो 4, 7 में से 4 गए 3, रिमूव डेसिमल 43/90, क्लियर है? क्लियर है? ऐड कर देना बाय टेकिंग एलसीएम, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? क्या होगा ये? वन बाय टू इंटू वन बाय टू इज 60 को लिख सकते हैं, 2^4, लिखने को 4² भी लिख सकते हैं, बट वाई वी आर राइटिंग 2^4, क्योंकि 4 चाहिए हमें, क्योंकि 4 चाहिए, आंसर इज 2। ये करो सॉल्व, सॉल्व करो, ये एक्स क्यूब है, ये जो है एक्स क्यूब है, ये स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट का मतलब पावर 1/2 होल पावर 2/3, क्लियर है? एक्स क्यूब सेम, ये जो स्क्वेयर रूट है इसका मीनिंग क्या है? 1/2, दिस पावर सेम, नाउ मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स, x^1 दैट इज x, व्हाट इज द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, व्हाट इज द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस,
व्हाट इज द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 72 हो सकता है क्योंकि सेम है, लेकिन आप इसके फैक्टर भी तो कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन टेक टू एंड थ्री आउट, 1/6 रूट टू, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? रूट टू, 6 रूट टू ले सकते हैं बाय, बट उसके बिना भी तो होता है, 6 लिखोगे अगर यहां पर तो कैंसिल ही हो जाएगा, अगर यहां यहां 6 लिख भी देते हो तो कैंसिल ही तो हो जाएगा, तो क्या बेनिफिट है, इसके बिना ही कर दो। तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट टू। एक ही बात तो है, 6 रूट टू लिखो या अंडर रूट टू इंटू 6 लिखो, एक ही बात होती है, 6 आगे लगा दिया, लेकिन रैशनलाइजिंग फैक्टर लीस्ट पूछा है, तो 6 रूट टू और रूट टू में से लीस्ट कौन सा है? रूट टू, तो इसलिए रूट टू इज द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। लेने को आप 6 रूट टू भी ले सकते हो, लेकिन लीस्ट पूछा है तो सबसे छोटा ही लेना चाहिए, वैसे भी आप छोटा लो क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 ले भी लेते हो तो कैंसिल ही हो जाना, फायदा क्या है उसका, रहेगा तो रूट टू ही ना, तो रूट टू लेना है आपने। Anything raised to power 0 is 1 + 1, answer is 2. For ye solve karo, you can open the bracket, you can simply multiply -3 with this, otherwise you can apply the formula. Ye a hai, ye b hai, a plus b, a minus b, a square minus, this is 9 minus 5, 4. Here in this term, powers are same. This can be written as 2 raised to power 1/3. This is 32 raised to power 1/3. Base different hai, lekin power same hai. Can we combine the power? Ye multiply ho jayenge and the power will be written once. 64 raised to power 1/3. 64 can be written as 4 raised to power 3. Likh sakte hai na? Answer is 4. Ek tarika aur bhi tha. Ye dekho. Ek method aur bhi tha. Dono ka cube root combine kar do. Dono cube root ke andar hai na? Dono ka cube root combine kar do. Theek hai? Ye kya hota hai? 4 cube. Iska matlab kya hai? 1/3. आंसर 4 आ गया। ठीक है, पहले पावर ओपन कर दो या पहले क्यूब रूट लगा दो, एक ही बात है। राइट डाउन, बेस इज सेम,
मल्टीप्लाइंग, बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग एट देयर पावर्स. परिया परिया क्या आ रहा है आंसर? दिव्या अटेंडेंस मार्क. टेन, वन, फोर, एट, ट्वेल्व, फिफ्टीन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, सिक्सटीन, आंसर इज वन. बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे. टू रेस टू पावर आर माइनस क्यू. ठीक है, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. ट्रू या फॉल्स? डिवीजन ऑफ या क्वेश्चेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल. एग्जाम्पल देखो, अगर टू रूट टू अपॉन रूट टू लिखते हैं, ये भी इरेशनल है, ये भी. कटिंग करके आंसर क्या आ रहा है? विच इज रैशनल. और अगर ऐसे लिखते हैं, डिवाइड नहीं होते, इरेशनल अपॉन इरेशनल इज इरेशनल. तो इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल ऑल्सो. तो डिवीजन आ जाए, दोनों का सम आ जाए, दोनों का डिफरेंस आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी. अगर एक चीज है तो गलत है. ठीक है, कल टेस्ट में एक ये क्वेश्चन था कि रियल नंबर्स जो हैं, आई थिंक ट्रू या फॉल्स का था कि रैशनल और इरेशनल होते हैं. ट्रू या फॉल्स थी स्टेटमेंट. लिखो ये क्वेश्चन. रूट 245, रूट 245 प्लस रूट 5. सिंप्लीफाई. रूट 245 प्लस रूट 5. सिंप्लीफाई. कल मैंने आपको एमसीक्यू सेंड किए थे, रीड किए थे आपने? टाइम ही नहीं मिला होगा. ठीक है, फोन से फुर्सत होएगी तो पढ़ना है हमने. आज एमसीक्यू सेंड करूंगी, 33 एमसीक्यूज हैं, ये कर लेना. क्या आ रहा है इसका आंसर? सॉल्व करो. प्लस में कंबाइन नहीं होते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कंबाइन होते हैं. डेसिमल में नहीं निकालना, रूट में बताओ. रिवीजन में ना जो बाकी क्लासेस में चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन टेस्ट होंगे ना. ये ना सिलेबस कुछ और कर ले, रिवीजन टेस्ट में कुछ और आना हो, वो कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं सब इसके बाद. ठीक है, मेरे को क्या, मैं ये करवा देती हूँ नेक्स्ट. इसके क्वेश्चन हम डेली थोड़े थोड़े कंटिन्यू करते जाएंगे, मैं आगे करवा देती हूँ आपको. अच्छा बात सुनो, सॉल्व नहीं होता रूट फाइव, इसके फैक्टर करो. 5 इंटू क्या आ गया? 7 आउटसाइड, 7 रूट 5, ये क्या है? 1 रूट 5, कितना हो गया? 8. कर लो, कर लो, लेकिन ऑप्शंस में अगर ना मिला आपकी वाली ऑप्शन तो
इसलिए पहले ये निकालो फिर रूट फाइव की वैल्यू बाद में पुट करके देखो। लेकिन इन क्वेश्चंस में कभी भी डेसिमल में नहीं निकालते, रूट में ही छोड़ देते हैं आंसर। अच्छा आप सुनो, इधर पहले मैं आपको एमसीक्यूज करवा देती हूँ ट्रायंगल के, ठीक है? फिर मेन क्वेश्चंस में से जो बनता होगा वो करवा देंगे। हाउ मेनी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया आर देयर फॉर द ट्रायंगल? ये फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन 1176 इज इक्वल टू 2 raised to power a 3 raised to power b 7 raised to power c। धैर्य यही है। देखो इधर इसके फैक्टर्स कर लो, 1176 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, क्या आएंगे बता सकते हो? ये आ गया 2 raised to power 3, 7 raised to power 2, 3 raised to power 1, 2 raised to power 3, यहाँ 2 raised to power a, तो a की वैल्यू क्या होगी? 3, b की वैल्यू 1, 3 raised to power b है ना, तो 3 raised to power 1 है, b की वैल्यू 1, 7 raised to power c, 7 raised to power 2, c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है? हाँ जी, नेम द कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया फॉर द ट्राइंगल। देर आर 5 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए, ए ए एस, आर एच एस, ठीक है? तो ऑप्शंस में आपके पास 4 गिवन है, आपने बताना है इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं है। ट्रिपल एस, एस एस ए, कौन सा नहीं है? एस एस ए, ठीक है? नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, नेम द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है, सी ए पी क्यू के इक्वल है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का नेम बताना है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का नेम बताना है, ना कि रूल बताना है। ट्रायंगल बताओ, ए पहले एक साइड का लिख लो, ए बी सी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, चेक कर लो, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, तो ए एक साइड फिक्स कर लेना ए बी सी में से। नेक्स्ट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, तो यहाँ बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर आ जाएगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, तो ट्रायंगल का नेम बन गया ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर पी। क्लियर है? आप मैंने जैसे यहाँ पे ए बी सी फिक्स किया है ना, आप पी क्यू आर को भी फिक्स कर सकते हो और वो वाली साइड डिसाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर फिक्स कर दू तो नेम क्या होगा? पी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? बी, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, बी का आर, बी का आर, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, और आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ट्रायंगल सी ए बी। ऑप्शंस में चेक कर लेना कौन सा है, ठीक है? एक मिनट, ऐसा नहीं होगा, मैं बताऊं ऑप्शंस क्या दी हुई है, आप चेक कर लेना। ए बी सी, पी क्यू आर, सी बी ए, पी आर क्यू, बी सी, बी ए सी, आर पी क्यू, पी क्यू आर, बी सी ए, चेक कर लो कौन सा है, कौन सा है? ये नहीं है, ये आपके ये नहीं है, सेकंड है सी, ये इसको आगे कर दो ना, सी बी ए,
तो ये आगे हो जाएगा, यही है, यही टैली हो रहा है इसके साथ, बाकी देख लो मैच नहीं हो रहे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पहले नेम सेट कर लेना, फिर देख लेना, चेक भी कर सकते हो जो लिखे हो इनमें से, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी ऐसे कर लेना, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, टैली कर लेना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, थर्ड एमसीक्यू, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू 50, फाइंड एंगल सी। एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है? टू साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट बी, अगर बी 50 है तो सी भी क्या होगा? 50। नेक्स्ट लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी BC is equal to AB. BC is equal to AB. Angle B is 80. Find A. Two sides equal हैं, तो triangle क्या होगा? Isosceles. BC के opposite क्या आएगा? A. AB के opposite क्या आएगा? जो missing है C. C तो दिया नहीं हुआ, ट्रायंगल फॉर्म कर लो ए बी सी, ए बी साइड बी सी के इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल, एंगल बी 80 है, ये एंगल इक्वल होंगे दोनों को, क्या लेंगे कितना आएगा? 50-50 आ जाएगा, तीनों का सम 180, 180 माइनस 80 100, 100 का हाफ ऑफ करोगे 50-50, टू साइड इक्वल है तो टू बेस एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल 50-50 आ गए, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, राइट डाउन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड पी क्यू। ट्रायंगल फॉर्म करना है तो ट्रायंगल फॉर्म कर लो। हैविश क्या हो रहा है ये? ट्रायंगल पी क्यू आर, आर और पी इक्वल है, ये साइड 4 है, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर, तो कौन सी साइड इक्वल होगी? इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये 4 है तो ये भी 4 होगी, 4 आ जाएगा आंसर, ये 5 है, हैं? हाँ 4 आ गया, ये भी साइड दे रखी थी पर यूज नहीं हुई, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 निकाल के दिया हो, आपसे पूछे कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है, रिजल्ट्स लिखे होंगे नीचे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, एंगल गिवन थे ना, तो यूज कौन सा किया है? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। एक और रिजल्ट होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, चेक कर सकते हो, 4 + 4 = 8 इससे ग्रेटर है, 4 + 5 = 9 इससे ग्रेटर है, 4 + 5 = 9 इससे ग्रेटर है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक और प्रॉपर्टी है डिफरेंस की, द सेम मैनर इन विच द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड,
द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. जैसे सम ग्रेटर होता है ना, ऐसी दो का डिफरेंस क्या होता है? लेस होता है. चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस वन, इससे लेस है. इन दोनों का डिफरेंस जीरो, इससे लेस है. इन दोनों का डिफरेंस वन, इससे लेस है कि नहीं? सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड से और डिफरेंस हमेशा लेस होता है.